वेलकम टू द ट्वेंटी थर्ड लेक्चर इस लेक्चर में हम समझेंगे यूज स्टेट हुक को तो हमने यूज़र फॉर्म बना लिया था और फॉर्म के नीचे हमने फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट बटन भी बना लिया था अब हम बनाने जा रहे हैं सबमिट बटन के नीचे एक यूज़र टेबल जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करेंगे वैसे ही एक यूज़र टेबल बन के आएगी सबमिट बटन के नीचे और यूज़र की इंफॉर्मेशन को शो करेगी तो एस आर सी फोल्डर के अब अंदर बना रहे हैं हम एक नई फाइल यूज़र टेबल डॉट जे एस नाम की ताकि हम अपने जो चाइल्ड कॉम्पोनेंट यूज़र टेबल को यहाँ पर बना सकें तो सबसे पहले हम करेंगे रिएक्ट लाइब्रेरी को इम्पोर्ट जिसको इम्पोर्ट करने के बाद हम रिएक्ट कॉम्पोनेंट्स को क्रिएट और मैनेज कर पाएंगे तो रिएक्ट को इम्पोर्ट करने के लिए लिखते हैं इम्पोर्ट रिएक्ट फ्राम रिएक्ट इसके बाद एक फंक्शन कंपोनेंट यूज़र टेबल को डिफ़ाइन करते हैं तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र टेबल इक्वल टू और उसके बाद हम बनाएंगे सिंपल ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट को लिखने के बाद हम लिखेंगे फैट एरो या एरो फंक्शन सिंटेक्स को तो फैट एरो या एरो फंक्शन सिंटेक्स होता है इक्वल टू और साइन और इसके बाद हम बनाएंगे कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यूजुअली जे जे एस एक्स को रिटर्न करते हैं रिएक्ट में जब हम जे एस एक्स एलिमेंट को डिफ़ाइन करते हैं तो हम क्लास नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं तो अब यहाँ हम डिव के अंदर लिखेंगे क्लास नेम हमने डिव बना लिया एक नई सेक्शन के लिए और उसके अंदर हम लिखेंगे क्लास नेम इक्वल टू कंटेनर ये डिव हमारी एप्लीकेशन के कंटेंट के लिए एक कंटेनर की तरह काम करता है और जे एस एक्स एक्सटेंड करता है जावा स्क्रिप्ट एक्समएल के लिए रिएक्ट एक टूल किट बेबल का यूज़ करके जी एस एक्स को प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है एक रेगुलर जावा स्क्रिप्ट कोड में जो कि ब्राउज़र समझ सकता है और यानी कि और सॉरी यू आई यानी कि यूज़र इंटरफेस को रेंडर कर देता है तो हमने यूज़र टेबल लिख दिया डिव के अंदर और उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी करेंगे यूज़र टेबल को ताकि यूज़र टेबल कंपोनेंट को एप्लीकेशन की डिफरेंट फाइल्स में हम इंपोर्ट कर पाएँ तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज़र टेबल इससे हम जितनी हमारी दूसरी फाइल हैं जहाँ पर हम इम्पोर्ट करना चाहते हैं यूज़र टेबल को हम इम्पोर्ट कर पाएंगे अब चाइल्ड कंपोनेंट यूज़र टेबल को पेरेंट कंपोनेंट की फाइल एप डॉट जी में हम करेंगे रेंडर तो उसको रेंडर करने का तरीका है सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग टैग उसके बाद हम लिखेंगे चाइल्ड कंपोनेंट यूज़र टेबल का नाम सॉरी यूज़र टेबल चाइल्ड कॉम्पोनेंट का नाम उसके बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग टैग आपने ये ध्यान दिया होगा जैसे ही मैंने यूज़र टेबल को यहाँ लिखा हो ऊपर आपका यूज़र टेबल भी इम्पोर्ट हो गया है क्योंकि मैंने ऑटो इम्पोर्ट एक्सटेंशन को इनेबल किया है इसलिए चाइल्ड कॉम्पोनेंट यूज़र टेबल को लिखते ही वो आ, ये भी इम्पोर्ट हो गया यूज़र टेबल ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है ये इम्पोर्ट हो गया अगर आपको वी एस कोड की एक्सटेंशन के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आगे हम रिएक्ट हुक्स का यूज़ करने वाले हैं तो समझ लेते हैं कि रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं रिएक्ट हुक्स बेसिकली फंक्शंस होते हैं जिसमें फंक्शनल कंपोनेंट्स बिना क्लास का यूज़ किए स्टेट और लाइफ साइकिल फीचर्स का यूज़ कर पाते हैं और डायग्राम से भी समझ लेते हैं रिएक्ट हुक्स आर फंक्शंस विच अलाउ फंक्शनल कंपोनेंट

अगर आपने लेक्चर नंबर फिफ्टीन को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए तो एक बार थोड़ा ऊपर से समझ लेते हैं कि यो यूज़ स्टेट हुक है वो एक सिंपल और पावरफुल वे है फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करने का जब हुक्स इंट्रोड्यूस्ड नहीं हुए थे तब क्लास कंपोनेंट के जरिए हम रिएक्ट में स्टेट को मैनेज कर सकते थे लेकिन यूज स्टेट हुक का यूज़ करके फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करना पॉसिबल हो गया अब हम यूजर टेबल डॉट जेएस फाइल में जाते हैं और यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करने के लिए हम रिएक्ट के बाद कॉमा लगाकर करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे यूज स्टेट इससे हमारा यूज स्टेट हुक इंपोर्ट हो जाएगा यूज स्टेट हुक कॉमनली यूज्ड हुक है यूज स्टेट हुक का यूज रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट को ऐड करने में किया जाता है यूज स्टेट हुक की हेल्प से हम स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और स्टेट वेरिएबल की करंट वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं और साथ ही साथ हम करंट वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा स्टेट वेरिएबल है यूज़र्स और सेट यूज़र्स हो गया सेटर फंक्शन इस स्टेट वेरिएबल यूज़र्स के लिए जिससे हम एक यूजर्स की स्टेट को अपडेट कर सकते हैं और स्टेट वेरिएबल यूज़र्स की इनिशियल वैल्यू है एक एम अरे तो यहाँ पर हमने लिख लिया कॉन्स्ट उसके बाद हमने अरे के अंदर लिख लिया यूजर्स कॉमा सेट यूज़र्स इक्वल टू यूज़ स्टेट और यूज़ स्टेट के बाद सिंपल ब्रैकेट के अंदर हमने एक बना दिया एक एम अरे का साइन यहाँ पर एम अरे यूज़ स्टेट फंक्शन की इनिशियल वैल्यू है इसका मतलब इनिशियली यूजर्स की स्टेट एक एम अरे है जब ये कोड की लाइन एग्जीक्यूट होगी तब यूज़र्स की वैल्यू करेंट स्टेट की वैल्यू यानी कि एम अरे हो जाएगी और सेट यूज़र्स फंक्शन का यूज़ use, यूजर्स की स्टेट को अपडेट करने में होगा तो इस लेक्चर में हमने यूज़ स्टेट हुक का यूज़ किया और उसे समझा भी और नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे यूज़ नेविगेट हुक को